General student, now I am going to start a new chapter: Fiber to Fabric. Okay? Fiber. What is fiber? Fiber, a material which is available in the form of thin and continuous strand, is called fiber. वैसे मटेरियल जो कि आपका अवेलेबल होता है किस फॉर्म में वो बहुत ही पतले होते हैं और कंटिन्यूस स्ट्रैंड की तरह होते हैं जिसको हम फाइबर कहते हैं दे आर आर टू टाइप ऑफ फाइबर फर्स्ट वन इज नोन एज नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज नोन एज मैन मेड फाइबर टाइप ऑफ फैबर आपको नाम से ही लग रहा है नेचुरल फैबर इट मीन्स वैसे फैबर जो कि हमें हम नेचर के द्वारा मिला हो मतलब कि नेचुरल फाइबर जो है आपका ऑप्टेन होता है प्लांट और एनिमल्स हैं द फाइबर विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल नेचुरल फाइबर एग्जाम्पल है आपका कॉटन जूट सिल्क वुल ये सारे क्या हैं फाइबर हैं जो कि हमें ऑप्टेंड होते हैं प्लांट से और एनिमल से प्लांट फाइबर क्या हो गया आपका कॉटन और जूट और आपका एनिमल फाइबर क्या होगा सिल्क और वुल उसी तरह से आपका सेकेंड है मैन मेड फाइबर मैन मेड फेबर फाइबर क्या होता है द मेटेरियल दैट आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी आर कॉल मैन मेड फाइबर वैसे फाइबर जो कि आपका बनता है लेबोरेटरी में उसको हम लोग मैन मेड फाइबर कहते हैं जैसे आपका नायलन है एकराइलिक है टेरीलीन है टेरी कॉटन पॉलिस्टर है ये सारे आपके मैन मेड फाइबर होते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर हमने आपको बताया कि नेचुरल फाइबर आपके दो तरह के होते हैं एक है होता है प्लांट फाइबर और दूसरा होता है एनिमल फाइबर तो द फाइबर विच आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल प्लांट फाइबर वैसे फाइबर जो कि आपको ऑप्टेन होता है प्लांट और एनिमल से उसको हम लोग सॉरी यहाँ पे है द फाइबर विच आर ऑप्टेन फ्रॉम

कैमल लामा अल्पाका ये सारे एनिमल्स हैं जिससे हमें ऑप्टेंड होता है वुल और सिल्क के से ऑप्टेंड होता है तो सिल्क इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम सिल्क वॉम तो याद रखेंगे वुल किससे से ऑप्टेंड होता है आपका शिप से गोट से याक से यहाँ पे हम आपके लिए सारे के फिगर लाए हैं उसको आप देखेंगे जैसे देखिए ये है आपका शिप इसमें आपको हेयर कवर लाइक स्ट्रक्चर्स शो हो रहा है इसी से आपका क्या बनता है वल बनता है ये है आपका शिप सेकेंड है आपका गोट ये आपका काश्मीरी गोट है जिससे ऑप्टेन होता है आपको वुल। याक है इससे भी इस एनिमल से भी जो है आपका ऑप्टेन होता है वुल। कैमल है कैमल से भी आपका ऑप्टेन होता है वुल लामा है इस ये भी एनिमल से हम लोग ऑप्टेन करते हैं वुल अल्पाका है ये एनिमल से भी हम ऑप्टेन करते हैं वुल तो आपको मैंने दिखाया कि किन किन ऑर्गेनिज्म से किन किन एनिमल से हम लोग ऑप्टेंट करते हैं वुल सिल्क वाम करते है? तो ये आपका कैटरपिलर शो हो रहा है ये आपका सिल्क वाम है इसी से ऑप्टेन होते हैं आपको सिल्क अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे वुल के बारे में वुल इज ऑप्टेंड फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ शिप गोट कैमल और याक आप कह सकते हैं कि वुल जो है आपका ऑप्टेंड होता है फ्लीस ऑफ सिप फ्लीस ऑफ सिप मतलब फ्लीस मतलब हेयर होता है और वो आपका स्किन से सटा हुआ जो है आपका प्रेजेंट होता है वो फाइन हेयर ठीक है उसी को हम फ्लीस कहते हैं तो उल कहा किससे कहाँ से ऑप्टेंड होता है तो वुल इज़ ऑपटेंड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप गोड कैमल याक रैबिट और लामा अल्पाका एंड अदर एनिमल ओके ये मैंने आपको पहले बता दिया है दिस एनिमल हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देअर बॉडीज़ इन एनिमल में आपका एक थिक कोट हेयर के प्रजेंट होते हैं उनकी बॉडी पे बिकॉज क्यों प्रजेंट होते हैं अगर गॉड ने बनाया है तो कुछ वजह से बनाते हैं क्योंकि वो क्या करेंगे ये हेयर जो है वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं और आपको पता है एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है तो बिकॉज द हेयर ट्रैप एयर एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ओके सो थिक लेर ऑफ़ हेयर किप दियर बॉडी वॉम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्स कोल तो ये जो आपका हेयर जो है हेयर के जो थिक लेयर है ये इसके बॉडी को क्या करते हैं वार्म पहुँचाते हैं गर्म पहुँचाते हैं और बहुत ज़्यादा जब ठंडक होती है उससे बचाने का भी काम करते हैं फॉर ऑपटेनिंग वुल एनिमल आर रियड एंड देन द हेयर इज कट एंड प्रोसीड इन टू वुल यहाँ पे वुल को ऑप्टीन करने के लिए एनिमल का क्या किया जाता है रियर्ड मतलब इसका पालन पोषण किया जाता है देन देयर हेयर इज कट फिर उसके हेयर को काटा जाता है और प्रोसीज प्रोसीजर जो है आपका स्टार्ट होता है आपका उस फाइबर से आपका यान बनाने के लिए वुल बनाने के लिए स्वेटर्स बनाने के लिए फ्लीस एंड वुल बियरिंग एनिमल फ्लीस एंड उल बियरिंग एनिमल क्या है फ्लीस और उल बियरिंग एनिमल आपके हमने बताया है शिप है गोट है कैमल है याक है लामा है ये सारे हैं बीयर टू टाइप ऑफ हेयर इनमें कितने तरह के हेयर प्रेजेंट होते हैं दो तरह के है होते हैं एक कोर्स हेयर और दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ठीक है ये जो आपका फाइन सॉफ्ट हेयर इज फाउंड क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल इन सारे एनिमल पे स्किन से क्लोज जो है आपका फाइन सॉफ्ट हेयर पाया जाता है और इसी फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल को हम लोग फ्लीस कहते हैं ठीक है तो आप बोल सकते हैं द फाइन सॉफ्ट हेयर सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल लाइक शिप गोट एट्सेट्रा इज कॉल फ्लीस तो क्लियर हो गया होगा फ्लीस क्या होता है एनिमल हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल वुल बियरिंग एनिमल यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं वुल बियरिंग एनिमल किसको कहते हैं तो वैसे एनिमल जिनके पास क्या प्रेजेंट हो छोटे छोटे फाइन सॉफ्ट हेयर जिसको हम फ्लीस कर रहे हैं उनके बॉडी पे पाए जाते हैं वैसे एनिमल को हम वुल बियरिंग एनिमल कहते हैं नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप सिप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री जो शिप का जो पालन पोषण होता है वो हमारे डिफरेंट कंट्री में जो है आपके में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे शिप का पालन पोषण हो जाता है किस लिए स्वेटर कोई भी उलन सामान को बनाने के लिए जैसे वो कौन कौन सा है आपका जम्मू एंड कश्मीर ये नाम आप याद रखेंगे जम्मू एंड काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब एंड राजस्थान गुजरात इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आपको शिप का रियरिंग होता है शिप का पालन पोषण होता है तो इन जगहों का नाम जो है आप याद रखेंगे इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं शिप फीड ऑन ग्रास एंड लिवस शिप्स का भोजन क्या है उसका जब हम पालन पोषण करेंगे तो हम क्या करेंगे उसका देखेंगे कि उसके भोजन क्या है तो वो क्या खाते हैं ग्रास और लीव्स। दे आर ऑल्सो फेड विथ अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस कॉर्न ज्वार ऑयल केक एंड मिनरल इसके अलावा मतलब ग्रास और लीव्स के अलावा ये क्या क्या खाते हैं आपको पल्सेस खाते हैं कॉर्न खाते हैं ज्वार खाते हैं ऑयल केक खाते हैं और मिनरल्स ये सारी चीज़ों को ये फीड करते हैं तो यहाँ पे आ, आप ध्यान में रखेंगे कि शिप का अगर पालन पोषण करते हैं तो उसको क्या क्या फ़ीड कराया जाता है इसको आप याद रखेंगे इन विंटर शिप आर केप्ड इनडोर एंड फेड ऑन लीव ग्रेन एंड ड्राई फॉर्डर विंटर के समय शिप को कहाँ रखा जाता है अंदर रखा जाता है एंड फेड ऑन से लीव से ग्रेन से एंड ड्राई फॉर्डर से सम ब्रीड ऑफ़ शिप have थिक hair ऑन their बॉडी विच एल गुड क्वालिटी ऑफ वुल इन लार्ज quantity कुछ शिप के ऐसे ब्रीड होते हैं जिनके हेयर बहुत ही थिक होते हैं उनके बॉडी पर बहुत ही थिक हेयर प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें गुड क्वालिटी के वुल मिलते हैं लार्ज क्वांटिटी में आपको मालूम है कि वुल में भी आप ध्यान देखें कि कुछ स्वेटर बहुत सस्ते होते हैं और कुछ स्वेटर बहुत महंगे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि किस एनिमल से आ, उसको आ, वुल को जो है ऑप्टेन किया है अगर वो आर्टिफिशियल मेथड है तो इट मीन्स वो आपका सस्ता होगा और एनिमल के थ्रू जो होगा वो आपका महंगा होगा और जितना ही अच्छी क्वालिटी रहेगी उतना ही ज़्यादा उसका कॉस्ट बढ़ेगा तो आप समझ में गए होंगे सम ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी विच यल गुड क्वालिटी ऑफ वुड इन लार्ज क्वान्टिटी दे आर सेलेक्टिवरी ब्रीड टू गेट शिप ऑफ़ गुड ब्रीड और इन लोगों में ब्रीडिंग प्रोसेस मतलब रिप्रोडक्शंस के लिए न्यू वैरायटी के मतलब डिज़ायरेबल वैरायटी को ध्यान में रख के ऑर्गेनिज़म में क्रॉस करा के न्यू ब्रीड्स को ऑप्टेन किया जाता है ताकि जो है आपको सेलेक्टिवली ब्रीड जो है आपका आपका डिज़ायरेबल ब्रीड जो है वो आपको मिल सके क्लियर तो इस पूरे चैप्टर्स में आपको क्या ध्यान देना फाइबर क्या है फाइबर कितने तरह के होते हैं और मैनमेड फाइबर है नेचुरल फाइबर तो मैनमेड फाइबर किसको कहते हैं और नेचुरल फाइबर कैस किसको कहते हैं नेचुरल फाइबर जो है वो उसके कितने टाइप्स होते हैं तो आपका प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर प्लांट फाइबर ऑप्टेंड होगा प्लांट से एनिमल फाइबर आपका ऑप्टेंड होगा एनिमल से फिर है आपका मैन मेड फाइबर ये आपका फाइबर जो है ऑप्टेन इन लेबोरेटरी जो हम लोगों के द्वारा आर्टिफिशियली जो है ऑप्टेन uh, होते हैं फाइबर्स उसको हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं और उसको हम सिंथेटिक फाइबर भी जानते हैं यहाँ पे ध्यान होगा कि उल बियरिंग एनिमल्स किसको कहते हैं तो वल बियरिंग एनिमल्स के आपको नाम को याद में रखना है उसके बाद फिर आपको देख ध्यान देना है फ्लीस क्या होता है तो फ्लीस क्या होता है वो आपको मालूम है कि टू टाइप्स के हेयर प्रजेंट्स होते हैं आपका फर्स्ट जो है आपका जो फाइन हेयर जो प्रेजेंट होता है जो कि आपका स्किन से सटे हुए रहते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्लीस कहते हैं उसके बाद कुछ कंट्री के नाम आप याद रखेंगे कि कहाँ पे शिप की रेयरिंग होती है तो वो आप जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल सिक्किम अरुणाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब ये सारे नाम को आप याद रखेंगे शिप क्या फीड करते हैं तो आप ध्यान देंगे ग्रास और लिवस उसके अलावा क्या खाते हैं तो पल्सेस कॉर्न ज्वार ऑयल केक और मिनरल के मिक्सचर्स फॉर्म में भी उनको आ, मतलब उनको दिया जाता है फीड करने के लिए विंटर में इनको कहाँ रखा जाता है इंडोर अंदर रखा जाता है और किससे ढका जाता है आपको लिप से ग्रेन और फेड क्या करते हैं ये लिप से ग्रेन और ड्राई फॉर्डर कुछ ब्रीड जो होते हैं उनके थिक हेयर होते हैं उनके बॉडी पे जिनमें थिक हेयर होंगे इट मीनस उसमें गुड क्वालिटी के वुल जो है ऑप्टेंट होंगे ठीक है तो इस गुड क्वालिटी को ऑप्टेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब कि कुछ जैसे मान लीजिए शिप है जिसके लॉन्ग हेयर हैं कुछ ऐसे होंगे जो उसके थिक हेयर प्रेजेंट हैं तो दोनों में क्रॉस कराकर एक डिज़ायरेबल वैरायटी ऑप्टेन होते हैं उसी को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं तो इससे क्या होगा जो न्यू आ, ब्रीड जो ऑप्टेन होगा जो न्यू आ, ब्रीड ऑप्टेन होगा उसमें आपका हेयर्स भी लॉन्ग रहेंगे और थिक भी रहेगा तो हमें एक डिज़ायरेबल क्वालिटी जो है वुल की मिल जाती है Okay Janarayan to all my dear student